मारूफ सहाफी और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने अपनी अना की खातिर क्रीज से निकलकर आखिरी बॉल पर जो गैर आइनी छक्का लगाने की कोशिश की है वो बाउंड्री लाइन पर कैच हो सकता है। उन्होंने वो गलती की है जिससे पाकिस्तान के साथ मौसूफ खुद भी ख्वार हो जाएंगे और उन पर आर्टिकल 6 के तहत आइन शिकने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। अपने ताज़ा सियासी तजिये में जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं पिछले 8 बरस से अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान और इनके साथी ना तजर्बाकार भी हैं ना अहल भी और मुतकब्बिर भी। वक्त ने साबित कर दिया कि मेरी बात गलत नहीं थी। उन लोगों ने झूठ पर झूठ बोलकर मुल्क तबाह कर दिया। ये लोग हकीकतन इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप 2018 का पाकिस्तान देख लें और 2022 का मुल्क देख लें, ये मुल्क कहां से कहां आ गया। इमरान खान इख्तदार के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको अगर यकीन ना आए तो मौजूदा बहरान ही को देख लें। जावेद बताते हैं कि अमेरिका में हमारे सफीर डॉक्टर असद मजीद ने 7 मार्च को दफ्तर खारिजा को एक मुरासला भिजवाया था। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर असद मजीद और मुरासलों का तारुफ भी करवाता चलूं। असद मजीद करियर डिप्लोमेट हैं, जापान में सफीर रहे, जापानी जबान भी जानते हैं और उन्होंने जापान से PhD भी की। वजारत खारजा में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, सीनियर तरीन सफीरों में शामिल हैं। ये एक मुश्किल तरीन वक्त में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी चाहते थे। दुनिया भर के सफीर रोजाना अपने मुल्कों में मुरासले भिजवाते हैं, इनमें मुल्कों के अहवाल भी होते हैं और ताल्लुकात की नई जहतें भी। बकौल जावेद चौधरी मुरासले अमूमन 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म में सफीर सिर्फ अहवाल या मुलाकात के निकात लिख कर भिजवा देते हैं, दूसरी किस्म में निकात के साथ अपनी राय भी लिख देते हैं और तीसरी किस्म में ये आखिर में मशवरा भी देते हैं। ये मुरासले खुफिया अल्फाज में होते हैं जिन्हें सिफारती जबान में साइफर कहा जाता है। वजारत खारजा में पूरा एक यूनिट है जो ऐसे मुरासलों को डी साइफर करता है और फिर इसे अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इदारों और वजीर आजम हाउस को भिजवा देता है। सफीर असद मजीद ने भी 7 मार्च को एक मुरासला भिजवाया जिसमें उन्होंने साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लो के साथ अपनी मुलाकात का अहवाल लिखा। मैं यहां आपको डोनाल्ड लो के बारे में बताता चलूं, ये भी करियर डिप्लोमेट हैं जो कि 1992 से 1994 तक 2 वर्ष पिशावर में तैनात रहे, भारत में चार्ज डी अफेयर रहे, कश्मीर पर भी काम करते रहे। ये पाक भारत ताल्लुकात के एक्सपर्ट भी हैं। डोनाल्ड लो जॉर्जिया, कर्गिस्तान, आजरबैजान और अल्बानिया में सफीर भी तैनात रहे। सदर जो बाइडन ने इन्हें साउथ एंड सेंट्रल एशिया का असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात कर दिया। ये उर्दू और हिंदी के साथ साथ 8 जबानें बोल सकते हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि चूंकि डोनाल्ड लो सिफारतकार हैं लिहाजा इनसे गैर सिफारती जबान की तवक्को नहीं की जा सकती। वैसे भी डोनाल्ड कोई इतने अहम ओहदे के अफसर नहीं कि अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की हो तो उसको अमेरिका का पैगाम समझा जाए। उनके पास 13 मुल्क हैं और अमेरिका में इस लेवल के 250 ऑफिसर मौजूद हैं जिनकी बात किसी भी तरह अमेरिका की पॉलिसी नहीं होती। बहरहाल हमारे सफीर के साथ इनकी मुलाकात हुई और सफीर ने इस मुलाकात का मुरासला भिजवा दिया और वजीर आजम ने इसमें नवाज शरीफ भी डाल दिया, आलमी साजिश भी, धमकी भी, गैरत भी और पैसा भी। और इसके बाद एक जलसे में अपने ही सफीर का खत लहराते हुए कप्तान ने जाते जाते अपने छोटे से सियासी मकसद के लिए पूरे पाकिस्तान की किस्मत को दांव पर लगा दिया। जावेद चौधरी कहते हैं कि हमें यहाँ यह भी मानना होगा इमरान ने इस बेजरर से मुरासले को बड़ी खूबसूरती से अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ और इसने अपोजिशन को परेशान भी कर दिया, लेकिन ये फिर जज्बात की रौ में वो गलती कर बैठे जिससे इनका सियासी करियर दांव पर लग जाएगा। मेरे एक दोस्त ने कल बड़ा खूबसूरत फकरा कहा था कि वजीर आजम ने अपनी मंजी खुद ही ठोंक ली। ये मामला अगर तकरीरों तक रहता तो इमरान खान को फायदा होता रहता, लेकिन हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से आर्टिकल 5 की रूलिंग दिलाकर मुरासले के इशू को कानूनी शक्ल दे दी और ये इशू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इमरान को अब मुरासला अदालत में भी पेश करना पड़ेगा, इसे साजिश भी साबित करना होगा, मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन के किरदार के सबूत भी देना होंगे और वो रकम भी साबित करना पड़ेगी जो बाहर से आई थी और इससे MNAs खरीदे गए थे। अदालत अब ISI और IB के नुमाइंदों को भी बुलाएगी, अटारनी जनरल को भी और सफीर असद मजीद को भी, और यूं वजीर आजम के साथ साथ सदर आरिफ अलवी, स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी चारों फंस जाएंगे। अब इन्हें 35 पेंचर की तरह हर फोरम पर जवाब भी देना होगा, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और सजाएं भी भुगतना होंगी। लिहाजा बकौल जावेद चौधरी इस मरतबा इमरान खान ने क्रीज से निकलकर वो गलती कर दी जिससे मुल्क के साथ साथ ये खुद भी ख्वार हो जाएंगे। उन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हो सकती है।
ये लोग अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। ये आपको चंद दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों या एक अदालत से दूसरी अदालत में दौड़ते फिरते नज़र आएंगे। ताहम ये जाते जाते मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए। ये मुल्क को अंदर और बाहर दोनों जगहों से खोखला कर गए हैं। ये इसका रहा सहा भरम भी साथ ले गए हैं। आपको मुस्तकबिल करीब में इनकशफात हैरान कर देंगे। जावेद कहते हैं कि आप मुस्तकबिल को साइड पर रख दें और सिर्फ ये जवाब दें कि अदालत जब सफ़ीर असद मजीद को तलब करेगी तो क्या इसके बाद हमारा कोई सफ़ीर मुरासला भिजवाने की जसारत करेगा, और अगर सफ़ीर मुरासले नहीं भिजवाएंगे तो फिर हमें वजारत खारजा की क्या ज़रूरत है। लिहाजा इमरान ने जाते जाते पूरी सिफारती कोर तबाह कर दी। इसका जवाब कौन देगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।